हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राहुल और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ महाराष्ट्र बोर्ड 12th क्लास बाइफोकल सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस का सिलेबस। ओके, तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स दिए गए हैं आपके 12th के सिलेबस में। ओके, कंप्यूटर साइंस में, जिसमें आप लोगों को तो जैसे 11th में था वैसे ही 12th में है कि आप लोगों को पेपर 1 है और पेपर 2 है। पेपर 1 जो रहेगा आपका प्रोग्रामिंग से रिलेटेड रहेगा और पेपर 2 जो रहेगा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर से रिलेटेड रहेगा। ओके, तो देखते हैं अभी 12th का सिलेबस, मैं इसको जूम कर लेता हूँ। तो हम लोग सबसे पहले यूनिट्स के बारे में देखते हैं कि आप लोगों को कौन कौन से यूनिट्स कवर किए गए आपके पेपर 1 में एंड पेपर 2 में। ओके, तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट्स आपको दिए गए, ठीक है। कंप्यूटर साइंस को देखते हुए 12th क्लास में आपको जो टॉपिक्स होने चाहिए एग्जैक्ट वही टॉपिक्स आपको महाराष्ट्र बोर्ड ने बाइफोकल सब्जेक्ट में अवेलेबल करके दिए है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो पेपर 1 में है आपको फर्स्ट यूनिट ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत ही अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स में है। देन आपको सेकेंड है डाटा स्ट्रक्चर्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डाटा स्ट्रक्चर्स। ओके, देन आपको C++, ये C++ आपको एडवांस लेवल का है, 11th क्लास में आपको बेसिक्स है। ओके, देन फोर्थ है HTML, ठीक है, HTML का बेसिक्स है आपको, ठीक है, वेब डेवलपमेंट में बहुत काम में आता है HTML। ओके, देन आपको पेपर 2 है, पेपर 2 में आपको सबसे पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8085, ठीक है। तो जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना चाहते हैं, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड, हार्डवेयर से रिलेटेड और प्रोग्रामिंग वगैरह करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये। तो जैसे फर्स्ट यूनिट है आपको माइक्रो प्रोसेसर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8085, तो इसमें आप लोगों को ये बताया गया है कि आपके जो पहले माइक्रो प्रोसेसर्स थे, ठीक है, उसकी प्रोग्रामिंग कैसे की गई है, वो कैसे बने हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है। ओके, देन आपको सेकेंड यूनिट है इंस्ट्रक्शन सेट एंड प्रोग्रामिंग ऑफ 8085। तो देखो माइक्रो प्रोसेसर जो होते हैं उसमें इंस्ट्रक्शन कैसे लिखी जाती है और उसमें प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, वो आपको सेकेंड यूनिट में दिया है। देन आपको थर्ड यूनिट में दिया है इंट्रोडक्शन टू इंटेल x86 फैमिली, देन इंटेल x86 जो माइक्रो प्रोसेसर है इसके बारे में आपको थर्ड यूनिट में दिया है। देन फोर्थ यूनिट आपको दिया है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो कंट्रोलर एंड फिफ्थ यूनिट में दिया है आपको नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो अभी हम लोग डिटेल में आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए गए यूनिट के हिसाब से वो देखेंगे। ओके, तो ये रहा आपका डिटेल में। तो सबसे पहला यूनिट है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ओके, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए गए इसमें हम लोग अभी देखेंगे। तो सबसे पहला इसमें टॉपिक है आपका व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, देन सर्विसेज इन OS, फिर ओवरव्यू है कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स का, फिर कंसेप्ट रिलेटेड है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का। ओके, देन फाइल सिस्टम्स क्या होता है, डिवाइस ड्राइवर्स क्या होता है, टर्मिनल इनपुट आउटपुट क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देन कंसेप्ट रिलेटेड टू प्रोसेस मैनेजमेंट, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो काम होता है पूरा मैनेजमेंट का होता है। ओके, मैनेजमेंट सारा मैनेज करता है वो, तो प्रोसेस कैसे मैनेज की जाती है वो इसमें हम लोग देखेंगे। देन मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे, और उसके बाद में GUI क्या होता है और सिक्योरिटीज़ क्या होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में, ये हम लोग इस ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिट में देखने वाले। ओके, तो इसके लिए आप लोग जो रेफरेंस बुक है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको दिया गया है ये गुड बोली की आप लोग बुक ले सकते हो। ओके, देन आफ्टर सेकेंड यूनिट है डेटा स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। ओके, अगर इसके ऊपर अगर आप लोग पकड़ बना लेते हो तो आप लोग एक ट्रू सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो, ठीक है। डाटा स्ट्रक्चर का हम लोग 12th क्लास में बेसिक्स पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग जब ग्रेजुएशन करोगे तब आपको ये चीज बहुत काम आएंगी, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर की। तो डेटा स्ट्रक्चर में आप लोगों को है कुछ डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशन है, उसका इंट्रोडक्शन है, एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम और फिर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स है, देन एरेस का यूज करके हम लोग डेटा स्ट्रक्चर इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, और कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में और पढ़ेंगे जैसे लिंक लिस्ट, ट्रीज, बाइनरी ट्रीज वगैरह। ओके, तो ये हो गया आपका डेटा स्ट्रक्चर्स। देन है आपको C++। ओके, तो C++ आपको एडवांस लेवल में है एज कम्पेयर टू आपका 11th क्लास। ओके, तो यहाँ पे कुछ रिव्यू ऑफ C++ है। देन है आपको एरेस, पॉइंटर्स, रेफरेंसेस, स्ट्रिंग्स, इसके बारे में पढ़ना है हमको। देन प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो इस C++ के यूनिट में आप लोगों को मेन जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में फोकस किया गया है। ओके, देन क्लासेस क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स ओवरलोडिंग, वर्चुअल फंक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, ये सारी चीज़ें कैसे रिलेटेड है आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से। ओके, सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को डीप में पढ़ना चाहते हो, ठीक है। आप लोग अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जैसी फील्ड में अगर आप लोग जाना चाहते हो तो ये चीज़ आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। ओके, तो आपको ये बहुत काम में आएगा फ्यूचर में आपके ग्रेजुएशन में। ओके, देन इसके बाद में फोर्थ यूनिट है आपको HTML, HTML के कुछ टैग्स दिए गए। ओके, उन टैग्स के हिसाब से हम लोगों को सिंपल वेब पेज कैसे बनाना है, टेबल कैसे बनाना है, वो इस
यूनिट में हम लोग देखेंगे, ओके। तो HTML का यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, ओके। देन आफ्टर है आपको सेकेंड पेपर। सेकेंड पेपर में इंट्रोडक्शन टू माइक्रोप्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8085 फर्स्ट यूनिट है, जिसमें हम लोग देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर्स, व्हाट इज माइक्रोप्रोसेसर, माइक्रोप्रोसेसर क्या होता है। देन उसकी ब्लॉक डायग्राम देखेंगे जेनेरिक माइक्रोप्रोसेसर की, ठीक है। स्टडी ऑफ वेरियस ब्लॉक्स देखेंगे, ब्लॉक डायग्राम देखेंगे 8085 की, ओके। तो ये सारी चीजें हम लोग इस फर्स्ट यूनिट में देखने वाले हैं। इसके लिए आप लोग यूज कर सकते हो टोकेम की बुक, ठीक है, सेकेंड एडिशन की है शायद ये। तो जनरली आप लोग जो है निकिता पब्लिकेशन की बुक लेते हो तो आप लोग ले सकते हो। अगर आप लोग रेफरेंस में चाहते हो लेना तो आप लोग ये ले सकते हो, ओके। और मैं अपना नोट्स तो आपको देने ही वाला हूँ, ओके। देन आपको सेकेंड यूनिट है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है, ओके। जैसे पेपर वन में आपको C++ का इम्पोर्टेंट लेसन है, वैसे ही सेकेंड यूनिट में ये वाला लेसन है, इंस्ट्रक्शन सेट एंड प्रोग्रामिंग ऑफ 8085। अभी इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा बताता नहीं, लेकिन एक ही चीज़ बताता हूँ कि हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं उसकी प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर कैसे काम करता है, ठीक है। वो खुद से तो कुछ नहीं कर सकता, सारी चीज़ें हम लोगों को माइक्रो प्रोसेसर को पहले से बतानी होती है, ओके। तो वो चीज़ कैसे बताई जाती है हम लोग इस यूनिट में देखने वाले। देन उसके बाद में थर्ड यूनिट इंट्रोडक्शन टू इंटेल X86 फैमिली। तो देखो जैसे इवोल्यूशन हुआ माइक्रोप्रोसेसर का, तो X86 फैमिली आई माइक्रोप्रोसेसर की। इसके बारे में हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन और उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थर्ड यूनिट में देखेंगे। देन फोर्थ यूनिट है आपको इंट्रोडक्शन टू माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर के बारे में हम लोग फोर्थ यूनिट में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बारे में फिलहाल मैं अभी डिस्कस नहीं करता, इसके लिए आप लोग गिलमोरे की बुक ले सकते हो, ओके। देन है आपको फिफ्थ यूनिट नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी, ओके। नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, इसमें हम लोग देखेंगे ट्रांसमिशन मीडिया, जैसे कि हम लोगों ने 11th क्लास में देखे थे नेटवर्किंग के बारे में। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है आप 12th क्लास को देखते हुए, ओके। तो सो इस यूनिट में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में मैंने वहाँ पे बताया था, जैसे कि कुछ वायर वगैरह मीडियम होता है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी केबल मीडियाज यूज होते हैं। देन हम लोग देखेंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में, नेटवर्क टोपोलॉजीज भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे बस रिंग वगैरह, ओके। देन पढ़ेंगे प्रोटोकॉल्स के बारे में और कुछ कनेक्टिविटी डिवाइसेस के बारे में हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। देन मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल्स बता देता हूँ। देखो सजेस्टेड रेफरेंसेस बुक दिए गए 11th और 12th के लिए, आप लोग देख सकते हो इन बुक्स को, ओके। देन मैं अभी आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल्स के बारे में। तो देखो आपको सारी इसमें जो प्रैक्टिकल्स है C++ के प्रैक्टिकल्स है मेनली, और कुछ VB के प्रैक्टिकल्स है, ओके। और कुछ चीज़ें हैं आपको HTML के बारे में, तो यहाँ पे C++, HTML और VB को फोकस किया गया आपके प्रैक्टिकल्स में। देन है आपको पेपर टू में आपको पूरा प्रोग्रामिंग है माइक्रोप्रोसेसर का, ओके। तो ये कुछ प्रैक्टिकल्स दिए हैं, चाहे तो आप लोग इनको पढ़ सकते हो, ओके। तो मैंने सिलेबस की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, चाहे तो आप लोग वहाँ से सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो, ओके। देन मैं अभी आपको यूनिट वाइज जो मार्किंग है वो बता देता हूँ, ठीक है, और मार्किंग स्कीम के बारे में बता देता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हो कि आपका पेपर वन का जो थ्योरी पार्ट है वो होता है 50 मार्क्स का, और पेपर टू का थ्योरी पार्ट है वो होता है 50 मार्क्स का, ओके, जो कि आपका पेपर होता है बोर्ड में, ओके। तो 50-50 मार्क्स आपके थ्योरी पेपर के हो गए, पेपर वन और पेपर टू के, ऐसे टोटल हो गए 100, ठीक है। वैसे ही 50 मार्क्स आपके पेपर वन के प्रैक्टिकल के और 50 मार्क्स पेपर टू के प्रैक्टिकल के, ओके। तो ऐसे टोटल आपका होता है 200 मार्क्स का पेपर कंप्यूटर साइंस का, ओके। तो अभी मैं आपको यूनिट वाइज मार्किंग बता देता हूँ। तो पहला जो यूनिट है, तो देखो आपको जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें टोटल आपका जो मार्किंग यूनिट वाइज जो रहता है वो 94 मार्क्स का रहता है, ठीक है, पूरा टोटल क्वेश्चन, जिसमें से आपको 50 मार्क्स का सॉल्व करना होता है। तो मैंने क्या बताया, पूरा आपका जो टोटल होता है वो 94 मार्क्स का होता है, जिसमें आप लोगों को 50 मार्क्स का सॉल्व करना रहता है, ठीक है। और में कुछ क्वेश्चन रहते हैं, कुछ MCQs रहते हैं, ओके। तो अभी देखते हैं यूनिट के वाइज मार्किंग, ओके। तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपको 22 मार्क्स का दिया गया है, ओके। ऑल ओवर पेपर में आपको 22 मार्क्स का ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा। देन जो डेटा स्ट्रक्चर है उसमें आपको रहेगा 17 मार्क्स का, ओके, 17 मार्क्स का आपका क्वेश्चंस रहेंगे डाटा स्ट्रक्चर्स के। देन C++ है, C++ सबसे इंपॉर्टेंट, 41 मार्क्स का पेपर रहेगा, ओके। और HTML रहेगा 14 मार्क्स का, 14, ओके। तो देखो इसमें कुछ MCQs रहेंगे और 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के आपको क्वेश्चन रहेंगे। देन C++ और HTML में आपको 5-5 मार्क्स के भी क्वेश्चन आएंगे, ओके। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन पेपर पैटर्न बताऊंगा, ठीक है, कि आपका पेपर पैटर्न कैसा होता है। देन वैसे पेपर टू में आपका जो फर्स्ट यूनिट है वो रहेगा आपका 21 मार्क्स का, ठीक है,
और सेकेंड यूनिट जो रहेगा वो रहेगा आपका 43 मार्क्स का, ठीक है 43, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, ठीक है, इसमें 5-5 मार्क के क्वेश्चंस भी कवर किए गए हैं। देन थर्ड यूनिट है वो सिर्फ आपका रहेगा 4 मार्क्स का, ओके इसमें कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, 3 मार्क्स का आपका डिफरेंस हो सकता है। देन आफ्टर फोर्थ यूनिट आपका रहेगा 8 मार्क्स का और फिफ्थ यूनिट रहेगा आपका 18 मार्क्स का, ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लेसन आपका सेकेंड यूनिट 43 मार्क्स इसमें कवर किए गए, ओके तो ये हो गई आपकी मार्किंग स्कीम यूनिट वाइज, ओके तो अगर आपको सिलेबस में अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो, ओके सो इन अनदर वीडियो मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन पेपर पैटर्न के बारे में, ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।